पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में प्राधिकरण द्वारा बसाई गई कॉलोनी में देर रात एक निर्यातक को परिवार सहित अज्ञात बदमाशों द्वारा घर में बंद करके लाखों रुपए के जेवरात और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद से थाना कटघर पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। रामपुर रोड पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक वेल मेंटेन कॉलोनी बसाई गई थी, जिसमें कई व्यवसाय भी परिवार सहित रह रहे हैं। यही पर टेलीफोन एजेंट्स के निकट रहने वाले निर्यातक हाजी रहीस उस समय दहशत में आ गए, जब अज्ञात बदमाश उन्हें और उनके परिवार को उन्हीं के घर में बंद करके उनके घर से 30 तोले सोने के जेवरात और 1.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित निर्यातक के अनुसार सुबह 2:30 बजे जब उनकी आँख खुली, उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद पाया। शोर मचाने पर उन्होंने दो बदमाशों को भागते हुए देखा और फिर बड़ी मुश्किल से बाहर आकर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं निर्यातक की पत्नी फाजिया और उनके बच्चे इस घटना के बाद से दहशत में हैं। इस घटना की अल्पीकरण करने में लगी कटघा पुलिस इस घटना के विषय में कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। घर से सीढ़ी निकाली इन्होंने, वो लगाई और उससे के जरिए फिर ये अंदर को आए। जी वो तो 11-12 बजे तो वैसे ही सोना होता है रमजान में, और 2:30 बजे फिर उठना होता है, तो 2:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था। जी भाई साहब, जी भाई साहब।